आज हम बनाएंगे कुकरी जौ की कोडो मिलेट प्रोटीन सैलेड। इसके लिए हमें चाहिए कुकरी जौ की का कोडो मिलेट, आधा कप। कुकरी जौ की कोडो मिलेट को 8 घंटे के लिए 2 कप पानी में भिगो लें। एक बर्तन में 2 कप पानी उबालें, इसमें भीगा हुआ कुकरी जौ की कोडो मिलेट डालें। हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए मंदी आंच पर ढककर पकाना है। जब कुकरी जौ की कोडो मिलेट उबलकर तैयार हो जाए, इसे एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने के लिए अलग रख दें। उबालकर ठंडा किए हुए कुकरी जौ की कोडो मिलेट में 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च डालें। एक चौथाई कप खीरा और 1 चौथाई कप उबले हुए सोया चंक्स डालें। इसमें 1 चौथाई कप स्प्राउट्स और 1 चौथाई कप टमाटर डालें। मैंने यहाँ पे मूंग दाल स्प्राउट्स का यूज़ किया है, आप इसकी जगह चने के स्प्राउट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। इसमें आधा टीस्पून लेमन जूस डालें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। एक चौथाई कप बारीक कटा प्याज डालें। प्याज इस रेसिपी में ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं और हरी धनिया पत्ती से सजाकर तुरंत सर्व करें।